हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है फाइव डेंजर टॉक्सिक गैस इन रिफाइनरी। रिफाइनरी के अंदर में पांच जो टॉक्सिक गैस एकदम डेंजर वाला खतरनाक जहरीला गैस पाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस का प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ हजार्ड ऑफ टॉक्सिक्स है, जो हम पाँच गैस के बारे में बताएंगे उससे आपके स्वास्थ्य को क्या क्या खतरा है हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एड ऑफ टॉक्सिक गैस, अगर ये फर्स्ट एड उसका कैसे करना जिसको टॉक्सिक गैस लग गया है तो उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पर जब हम काम करते थे, यूज ऑफ पीपीई इन टॉक्सिक गैस रिलीज, और या वहाँ पर जब काम करते हैं तो हम कौन से पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब टॉक्सिक गैस के एरिया में या फ्लेमेबल गैस के एरिया में हम काम करते हैं। तो आज हम ये पांच टॉक्सिक गैस जो डेंजर रिफाइनरी में पाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर जब पूरा आप अच्छे से देखते हैं तो आपको टॉक्सिक गैस के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा एकदम अच्छे से। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और भी अच्छे अच्छे सेफ्टी का वीडियो आपको हम देते रहे। फर्स्ट में हम देख रहे हैं फाइव डेंजर टॉक्सिक गैस इन रिफाइनरी। रिफाइनरी के अंदर में जो पाँच डेंजर जहरीला गैस पाया जाता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकेंड में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2 क्लोरीन और NH3 अमोनिया। ये पांच जो गैस है ये रिफाइनरी के अंदर में पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक हाईली फ्लेमेबल और जहरीला गैस है। इससे ये गैस लगते ही इंसान की मौत हो जाती है। सबसे फर्स्ट में हम इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, टॉक्सिक गैस जो जहरीला गैस है उसका हम प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट में देख रहे हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, टॉक्सिक फ्लेमेबल एंड कलरलेस गैस। ये एक जहरीला होता है और ज्वलनशील भी होता है और इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। ऑफेंसिव ऑर्डर सिमिलर टू रेटिनेक, और इसका जो सुगंध जो होता है ना, इसका जो स्मेल जो होता है ये सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, रोटेन एक्स सड़े हुए अंडे के जैसा। तो इसका ये पहचान है CO कलरलेस ऑर्डरलेस टॉक्सिक। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसका कुछ स्मेल भी नहीं होता और बहुत जहरीला होता है। तो ये अगर ये लीकेज करता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ पता नहीं चलता है क्या, क्योंकि इसका कुछ कलर ही नहीं होता है। और ये ऑर्डरलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस, इसका कुछ खुशबू भी नहीं होता और इसका तो पता चलता है H2S का स्मेल कि ये सड़े हुए अंडे के जैसा होता है और इसका कुछ स्मेल नहीं होता। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कलरलेस गैस एंड कलरलेस लिक्विड, ये दोनों होता है, गैस भी होता है और लिक्विड होता है, जिसमें दोनों का कोई कलर नहीं होता है। वेन प्रेशराइज और कूल्ड नॉन फ्लेमेबल वेरी सोल्यूबल गैस, ये प्रेशराइज जब और कोल्ड होता है तो नॉन फ्लेमेबल वेरी सोल्यूबल, मतलब बहुत सोल्यूएबल गैस विथ पंजेट एसिड ऑर्डर एंड टेस्ट, ये तीखे एसिड के जैसे इसका टेस्ट होता है। और 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, ये 2.5 टाइम्स हवा से भारी होता है, मतलब ये नीचे नीचे में अगर ये गैस रिलीज होता है तो जमीन को नीचे नीचे पकड़ के रहता है, ऊपर नहीं उड़ता क्योंकि हवा से भारी होता है। रिएक्ट विथ वाटर और मॉइस्चर, ये रिएक्ट मतलब पानी से रिएक्ट करता है और मॉइस्चर मतलब नमी से। जेनरेट सल्फोरिक एसिड, जब ये रिएक्ट करता है पानी से तो ये सल्फोरिक एसिड तैयार करता है जो बहुत खतरनाक होता है। तो अभी इसका तीन गैस का प्रॉपर्टीज का, H2S का, CO और SO2 का पता चला। अभी हम आगे देखते हैं, और यहाँ पर टू गैस और है फाइव में, Cl2 और NH3। तो हम Cl2 क्लोरीन का देखते हैं, हाईली टॉक्सिक, बहुत जहरीला होता है, कोरेसिव ग्रीसनील येल्लो कलर, ये हल्के पीले रंग का होता है, 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, यह भी हवा से 2.5 टाइम्स भारी होता है। वन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एक मात्रा लिक्विड का इक्वल्स 460 वॉल्यूम ऑफ गैस, 460 मात्रा गैस के बराबर होता है लिक्विड का। जो मतलब इससे क्या पता चलता है, इसका लिक्विड भी बहुत खतरनाक होता है। वन लिक्विड का मात्रा जो होता है 460 मात्रा गैस के बराबर होता है। तो Cl2 का और NH3 हाईली फ्लेमेबल, बहुत मतलब कि ज्वलनशील होता है, कोरेसिव होता है, एक्सप्लोसिव वेन मिक्स विथ एयर, यह अगर जो हवा में मिलता है पंजेट कलरलेस गैस, तो ये तीखा गैस बनता है, एकदम आँख में जलन वगैरह होगा हवा में मिक्स होने से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइव गैस का पता चला। हेल्थ हजार्ड ऑफ टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस का हेल्थ हजार्ड क्या क्या है। H2S हेल्थ हजार्ड, H2S से क्या क्या हेल्थ हजार्ड है। इरिटेट आई, आँख में जलन होगा, कॉजिंग सेवर पेन, बॉडी पेन होगा, दर्द होगा, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ बिटवीन STL एंड IDLH 1 to 100 ppm, कॉज इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक।
और 101 to 100 ppm जब ये लीकेज करेगा, यहाँ से बिटवीन में रहेगा, तो अपर जो सांस लेने का गला जो होता है, तो वहाँ पर आपको अपर सिस्टम में जलन होगा बहुत ज़्यादा। एट द कंसनट्रेशन एबव IDLH 100 ppm, IDLH 100 ppm अगर जो है सेंस ऑफ स्मेल इज लॉस्ट, और जो 100 ppm से ज़्यादा अगर जो ये लीकेज करता है गैस, तो आपका सूंघने का शक्ति जो होता है ख़त्म हो जाएगा, आप गैस को सूंघ नहीं सकते, मतलब सूंघने का शक्ति का नर्वस सिस्टम गेट अफेक्टेड एट 800 to 1000 ppm, एबव 1000 ppm इज इंस्टेंटली फेटल। 800 to 1000 ppm वजह ये गैस लीकेज करता है तो आपका नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होगा, और अगर जो 1000 तक जाएगा तो डायरेक्ट आप मौत हो सकता है, इंस्टेंटली मौत, मतलब एकदम मौत फिक्स है। 1000 ppm तक अगर ये जाता है तो एकदम इंस्टेंटली, मतलब वहाँ पर कोई बचने का चांस नहीं, एकदम मौत ही फिक्स है। तो ये H2S के बारे में पता चला। CO हेल्थ हजार, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इलनेस, कोमा, डेथ, हेडचे, डिजनेस, यहाँ पे क्या न्यूरोलॉजिकल आंतरिक सिस्टम डैमेज हो सकता है, इलनेस मतलब बीमारी, कोमा में जा सकते, डेथ हो सकते, सर दर्द होगा, डिजनेस मतलब कमजोरी होगा, ड्राइनेस सूखापन होगा, नौसिया मतलब कि चक्कर वगैरह आना, वोमिटिंग एंड टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट, वोमिटिंग मतलब उल्टी वगैरह होगा, और चेस्ट मतलब जकर, छाती में जकर पैदा होगा। SO2 से क्या हेल्थ हजार, इनहेलेशन कॉज ड्राइनेस एंड इरिटेट ऑफ नोज एंड थ्रोट, क्या है ड्राइनेस, सांस में सूखापन होगा और नाक और थ्रोट में जलन पैदा होगा, चोकिंग मतलब जाम हो जाएगा, कफिंग मतलब खांसी वगैरह होगा, सेवर ओवर एक्सपोजर में कॉज डेथ, अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो इसमें मरने का भी चांस है, कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड कॉज फ्रॉस्ट बाइट, अगर ये लिक्विड के इसमें आता है तो फ्रॉस्ट बाइट का कारण बन सकता है। तो SO2 से क्या है और CO2 से क्या हेल्थ हजार है उसके बारे में पता चला। यहाँ पर नेक्स्ट है Cl2 हेल्थ हजार, Cl2 मतलब क्लोरीन से क्या क्या हेल्थ है, इरिटेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में मतलब जलन होगा, और स्किन में भी जलन होगा, आई डैमेज, आई आँख खराब हो सकता है, मे लीड टू ब्लाइंडनेस और अंधा भी हो सकता है। NH3 से क्या है हेल्थ हजार, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इलनेस, कोमा मतलब कि कमजोरी होगा, कोमा में जा सकते हैं, मर भी सकते हैं, सर दर्द होगा, डिजीनेस होगा, कमजोरी, ड्रोनेस होगा, नौसिया, चक्कर वगैरह आएगा, वोमिटिंग, उल्टी हो सकता है, और चेस्ट टाइट हो जाएगा, मतलब जकर पैदा होगा चेस्ट के अंदर। सबसे फर्स्ट में हम H2S का फर्स्ट एड मेथड, रिमूव विक्टिम टू फ्रेश, सबसे पहले जिसको H2S अगर लगाया गैस तो उसको साफ हवा में मतलब फ्रेश एयर वाले खुले जगह पर ले जाएंगे, कॉल फॉर इमरजेंसी स्टेशन, फिर हम इमरजेंसी मतलब इसको कॉल करेंगे इमरजेंसी के लिए, मतलब एम्बुलेंस वगैरह को, डॉक्टर को कॉल करेंगे, इफ़ द पर्सन स्टॉप ब्रीथिंग, अगर ये आदमी सांस नहीं ले रहा, कैरी आउट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब आर्टिफिशियल अलग से हम उसको सांस देने का कोई तरीका ढूंढेंगे, मास्क रेस्पिरेशन में भी प्रेफरेबल टू माउथ, मतलब मास्क रेस्पिरेशन जो होता है ना वो माउथ टू माउथ से अच्छा होता है रेस्पिरेशन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फर्स्ट एडर, मतलब फिर इसमें क्या है फर्स्ट एडर जो होता है उसका भी देखते हुए माउथ माउथ हम जो सांस देते हैं उससे अच्छा जो होता है रेस्पिरेटरी मास्क रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे हम सांस दें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसका H2S का फर्स्ट एड सिस्टम हो गया। यहाँ पर CO का फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का, रिमूव विक्टिम टू फ्रेश एयर, जिसको भी गैस लगेगा सबसे पहले हम खुले वातावरण में लेके जाएंगे, फिर इमरजेंसी में कॉल करेंगे डॉक्टर के पास, फिर रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ एनी कंटामिनेंट क्लॉथ, जो उसका कपड़ा वगैरह है खराब वाला हम उसको निकाल देंगे, उसको ढीला कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर 100% ऑक्सीजन, फिर हम उसको ऑक्सीजन से मतलब कि ऑक्सीजन उसको देंगे, ऑक्सीजन वर्क्स एज एंटीडोट, ऑक्सीजन इसमें जो CO जिसको लगा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको ऑक्सीजन एक एंटीडोट के जैसे काम करता है, और कौन से ऑक्सीजन इसमें काम करता है, HBOT हाइपरबोरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, जिसको CO लगा रहता है हाइपरबोरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से इसका हम काम करते हैं, इसको इस ऑक्सीजन एक एंटीडोट के जैसे काम करता है इसके अंदर। CO2 सल्फर डाइऑक्साइड का हम देखते हैं फर्स्ट एड क्या है, रिमूव विक्टिम टू फ्रेश एयर, इसको भी खुले वातावरण में लेके जाना, कॉल फॉर इमरजेंसी असिस्टेंट, इसको भी लेके जाना, फ्लश स्किन वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट, जिसको SO2 लगा उसके ऊपर क्या 15 मिनट तक हम स्किन वाटर इस पर देंगे, छिड़काव करेंगे, स्टार्ट CPR ऑन मेडिकल एडवाइस, मतलब मेडिकल एडवाइस लेके इसको CPR भी देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शन, जो CPR जैसे चेस्ट को हम दबाते हैं वो करेंगे, अप्लाई कूल पैक टू आई ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब इसको हम लेके जाएंगे तो इसको आँख को ठंडे देंगे कूल पैक से,
फिर हम देखते हैं NH3 का फर्स्ट एड, रिमूव विक्टिम टू फ्रेश एयर, इसको भी हम खुले वातावरण में ले जाएंगे, कॉल करेंगे, फिर इमरजेंसी के लिए स्टार्ट CPR करेंगे इसको, कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्शन और मेडिकल एडवाइस इसको फिर हम प्रॉप और फिर इसको मेडिकल एडवाइस देंगे। तो ये गैस का फर्स्ट एड मेजर है, जिसको कौन सा लगेगा तो उसको फर्स्ट एड हम कैसे कैसे करेंगे इसका तरीका है। और आगे हम देखते हैं कि PPE हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। PPE ऑफ टॉक्सिक इनफ्लेमेबल गैस, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव H2S, एस्कावा और ऑनलाइन BSS, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स और ब्रीदिंग ऑपरेटर्स ऑनलाइन जो होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और पर्सनल रिस्पॉन्डर मतलब गैस डिटेक्टर जो पर्सनल वाला होता है वो एनी टाइम साथ में होना चाहिए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इम्प्रीवियस ग्लव्स होता है, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, स्कावा और एयरलाइन हुड इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्डर मतलब पर्सनल डिटेक्टर गैस डिटेक्टर जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, SO2 में टाइकम सूट यूज करेंगे, और स्कावा ऑनलाइन BSS और पर्सनल रिस्पॉन्डर इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे, Cl2 क्लोरीन में टाइकम सूट, स्कावा ऑनलाइन BSS और पर्सनल रिस्पॉन्डर इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे PPEs के रूप में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खुद को बचाने का यंत्र, और NH3 अमोनिया टाइकम सूट, स्कावा ऑनलाइन BSS और पर्सनल रिस्पॉन्डर इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये PPEs का हम इस्तेमाल करते हैं, ये 5 गैस में जो PPE यहाँ पर हम बताएं ये सब इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, गैस के बारे में अच्छे समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी अच्छे अच्छे सेफ्टी का वीडियो हम आपको देते रहें।